चैलेंज करके 110% बोल सकता हूँ दिल्ली की गर्मी ना फेल है। अगर दो चार महीने ये लोग और पेंट ना कराएंगे ना तो पेंट अपने आप हो जाएगा। अच्छा गर्मी अभी आई नहीं है तब ये हाल है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज से शुरू हो रही है हमारी कोलकाता की सीरीज। अभी मैं घर में था, तैयार हो गया हूँ, निकल रहा हूँ और ये चेक करो आप, बाहर बहुत भयंकर हवा चल रही है और सुबह से ऐसे ही मौसम है यहाँ का। अभी हम तैयार हो गए हैं फुल पावर, एकदम पूरा सामान ले लिया तुम्हारे भाई ने। करीब करीब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए लाइट भी चली है। 1 हफ्ते 10 दिन के लिए तुम मेरे को वहीं पर ही देखने वाले हो तो मैं तुम्हें पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करवाऊँगा। एक बार देख रहे हो कितनी भयंकर हवा चल रही है भाई, तो पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करवाऊँगा, जितना जहाँ पर भी हो पाएगा सब कुछ दिखाता हूँ। तो अभी फटाफट से तैयार होते हैं, सामान सामान लेते हैं, बाहर चलते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई सबसे ज़्यादा याद मुझे अपने हेलमेटों की आने वाली है और गोफर तो खैर मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अपनी बाइक की आने वाली है। भाई मिलते हैं सुन 10 दिन में। बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है माँ का, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है क्योंकि भाई डेली हर चीज़ यही चीज़ करके और यही पहन के आपको ना एक आदत सी हो जाती है। तो इट्स लाइक दैट वी विल मीट सून। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वापस आ ही जाएंगे। अभी पूरा तैयारी कर लिया मैंने और लाइट करते हैं बंद। अब मिलते हैं आपको इस रूम में 10 दिन बाद। गोना मिस यू। कभी भी बस में जाओ, इसी बस में तो ये आपको पूरे दिन मिलता है, आप इसमें उठ कर सकते हो। कौन से ढाबा मेरे लिए है ये? ब्रेकफास्ट लंच डिनर गाइस चेक मारो। जैसे दिल्ली में घुसे हैं ना, इन्होंने सारे पर्दे खोल दिए भाई, सारे पर्दे फोटो के पर्दे का भी चल भाई। पहली बार सुन रहा हूँ पर्दों में चलाने। वाह गाइस चेक दिस आउट, ये कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली का सबसे बड़ा पहाड़। और यहाँ पे आप वो गाड़ी भी चेक कर सकते हो, गाड़ी भी जाती है ऊपर तक। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब ये चेक करो आप, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है आपके यहाँ पे। तो भैया हवा भी गर्म छोड़ रही है देहरादून। अच्छा गर्मी अभी आई नहीं है तब ये हाल है। चेक करो भाई, बहुत भयंकर गर्मी है भाई, बहुत भयंकर गर्मी है। और 1 मिनट ये धूप में रहना मेरे टांग, तो मेरा टांग नहीं रहेंगे। और मिलो, ये मेरे मामा हैं और पूरे सफर में आपको ये दिखेंगे। तो भाई लोग इसमें हाथ नहीं रखते, ऐसा लग रहा है इसमें आते हैं भाई। ट्रेन में चाय ऐसा मिलती है कुछ, ये चेक करो आप। किसी तरह नशा करना एक आप मानी, मतलब एक फाइन हो सकता है, लेकिन तीन चाचा पड़ेगा। वाह नाइस। ये लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन की हालत देखो यहाँ की, दिख रहा है? अगर 2-4 महीने ये लोग और पेंट ना कराएंगे ना तो पेंट अपने आप हो जाएगा यहाँ पर फुल पावर। गाइस ये चेक मारो, हमारे पास ना इतने सारे बैग है और मेरे मामा ना और भी सामान खरीदते जाए, बोल रहे कि अगर घर चलाना है तो ये सब करना पड़ता है। पसीना देखो भाई, पसीने चेक करो, चेक मारो। तुम्हें टाटा दे दो, 70 दो, चेक मारो। ये 7 रुपये का गिलास है नींबू पानी का। तो गाइस मैंने तुम्हें नींबू पानी का वो दिखाना, सिर्फ 7 रुपये का था। और अगर यही चीज़ देहरादून में पी रहे होते ना या दिल्ली साइड, तो कुछ भी ना हो तो 50 रुपये का गिलास लगता ही लगता है। और भाई यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। पसीने चेक करो आप, ये देखो इन्होंने पता नहीं क्या क्या भर के लेके आए हैं। और ये बहुत मतलब मेन सिटी से आपका करीब 80-100 किलोमीटर अंदर है। अभी एक और ट्रेन में जाना है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
ये कैसे सांस ले रहा भाई? चाक मारो, ये कैसे सांस ले रहा है? अरे टूट है भाई, टूट कूट। तो गाइस वेलकम टू कोलकाता। इतनी गर्मी जगह है, इतनी गर्मी जगह है, अभी करंटली यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। गाइस चेक मारो, यहाँ की गर्मी जो है ना चैलेंज करके 110% बोल सकता हूँ, दिल्ली की गर्मी ना फेल है भाई। दिल्ली में कुछ भी गर्मी नहीं थी, जितनी गर्मी यहाँ पे है ना, तुम हालत देख सकते हो मेरे भाई की। अपने भाई बोला भी नहीं रहा, गला भी सूखा है, और जो लोग यहाँ पे रोजा रख रहे हैं ना भाई, हेडपॉप ये सामान चेक करो, ये चेक करो भाई, इतने सामान है, ये बड़ा बैग है, ये बड़ा बैग है, और ये सारे बैग हमारे नहीं है, ये हमारा। तो भाई सिर्फ दो ट्रॉली थे, दो बंदे थे, उसमें हो जाता, लेकिन इतने सारे सामान और गर्मी, ये चेक करो भाई, जो बंदे यहाँ पर रोजे रख रहे हैं ना, हेडपॉप है भाई, मास्क, क्योंकि 11 बजे करीब मैं उतरा था यहाँ पे कोलकाता में, और उसके बाद इतनी गर्मी है, मेरी ना हालत टाइट हो चुकी है लिटरली। बस और 5 मिनट रास्ता है, घर पहुँचने वाले हैं, फिर जाके मस्त लेटेंगे अपना, बहुत थक गया भाई, बहुत ज़्यादा, फिर आगे का अपडेट आपको देख जाएंगे। तो इतने गर्मी में तुम्हारा भाई रोज़ में ब्लॉग बना रहा है ना, लोगों के लिए, तो इस ब्लॉग में लेट्स टारगेट, जैसे कि हमारे 6,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं कॉन्गो सबको, तो इस वाले ब्लॉग में तुम करीब करीब 400 पर करवा दूँगी, ठीक है, फुल पावर, तुरंत नया ब्लॉग डालूँगा, पक्की बात। अरे बस देखो भाई, बस चेक करो, बस भी बड़े ख़तरनाक है यहाँ के लोग, तो है ही लोग, मतलब चेक, दिस इज तालाब, सबका अपना पर्सनल तालाब है, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सब डिटेल में एकदम, पूरे 1 हफ्ते 10 दिन में फुल पावर आपको पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करा दूँगा। ये देखो, जो हमारे नानी का घर है ना, वो मेन सिटी से अप्रॉक्स आपका 80 किलोमीटर अंदर है, लेकिन ये फिर भी, ये वाला जो रास्ता नहीं, हाईवे ही है, सिंगल लेन हाईवे ही है, ठीक है। और जो हमारे दादा का घर है वो चेक करो आपको, वो तो एकदम मतलब सुंदरबन जंगल, वी आर फ्रॉम जंगल। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। हाय डियर गाइस, ये चेक करो, ये पहुंच गए हैं भाई फुल पावर। तो गाइस शाम के बजे अभी 4 बजने वाले हैं, और धूप चेक करो भाई, यहाँ से सामने से कुछ ऐसा व्यू है, अभी मामा और घर बन ही रहा है, तो यहाँ पे आज रुक रहा हूँ, कल वापस अपने दादा की तरफ चलेंगे, वहाँ पे घुमाएंगे आपको, और सामने से कुछ व्यू इस तरह का है, पीस है भाई, ठंडा तो शाम के टाइम होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तुम भाई की अपनी हालत देख के समझ ही पा रहे हो कैसी हालत है। तो भाई ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ये कोलकाता वाली सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सो दिस इज स्पाइक बॉय साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, सो स्टे हैप्पी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, गुड बाय।